अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ ली। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे, आज के बाद जो भी हमारे दो तीन वीडियोस आ जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे हो जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल्स बेस होंगे रेजिस्टेंस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, सर्किट डायग्राम्स पे, जितने भी यहां पर आ जाएंगे ओम्स लॉ को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। तो आज से हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन उठाएंगे। तो ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी पॉइंट्स इन द गिवन फिगर। तो ये जो नीचे सर्किट डायग्राम दी गई है, तो यहां पर आपको अगर दिख रहा है कि दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट डी, तो आपने ये बोलना है कि दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। यहां पर भी बी पे भी कुछ पोटेंशियल होगी और डी पे भी कुछ पोटेंशियल होगी, तो डिफरेंस निकालनी है। हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो निकालनी है। एंड ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट। जबकि हमने एक जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ जो हमने इसको दे दिया इस सर्किट को, वो है 12 वोल्ट, यानी कि जो इनके अक्रॉस इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, वो है 12 वोल्ट। कितनी है वो? 12 वोल्ट। तो ये चीज करना है हमें। तो आपको पता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है और पोटेंशियल एक पॉइंट पे होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये जो पॉइंट ए है यहां पर, चाहे आप पॉइंट ए को यहां मान लीजिए या यहां मान लीजिए, दिस इज वन एंड द सेम थिंग बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू दिस थिंग। एंड आप पॉइंट सी को यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए या यहां मान लीजिए, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो इन एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, 12 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं वी ए, वी ए मीन्स पोटेंशियल एट ए, और यहां पर लिखूं पोटेंशियल एट सी, आर यू गेटिंग मी? तो हमें ना पोटेंशियल एट ए पता है ना सी पता है, हमें यह पता है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, वो है 12 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं वी ए को 12 मान लूं, तो वी सी को मुझे जीरो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अब ए और बी के बीच में देखूं पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, वो होगी 12 वोल्ट। देखिए 12 माइनस जीरो दैट इज 12, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आर गेटिंग मी? तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि एक टर्मिनल को अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट 12 वोल्ट है, तो एक एंड को 12 पे रखिए और दूसरे पॉइंट को जीरो पे रखिए। तो ये होता है सबसे आसान तरीका कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितनी है, 12 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम मान सकते हैं कि जो पॉइंट ए है या एंड ए है, तो वहां पर पोटेंशियल 12 वोल्ट होगी और पोटेंशियल एट सी वो जीरो होगी, क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी सी वो 12 वोल्ट होगी। तो 12 माइनस जीरो हो गया 12, समझ में आया? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस दी गई होगी दो टर्मिनल्स के बीच में, अगर 6 वोल्ट की दी गई है, तो आप एक टर्मिनल को 6 वोल्ट पे रख सकते हैं और दूसरे वोल्ट को 0 वोल्ट पे मान सकते हैं, तो तब जाके उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 6 वोल्ट होगी, आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज है इसको करने का। तो हमने निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी कि या तो हमने निकालना है वी डी माइनस वी बी और वी बी माइनस वी डी, दिस इज वन एट द सेम थिंग जब डिफरेंस आ जाएगा। तो देखेंगे इनमें बड़ा कौन होगा, तो बड़े बड़ा माइनस छोटा वो आपको डिफरेंस देगा। तो पहले हम देखेंगे कि यहां पर क्या पोटेंशियल है, यहां पर क्या पोटेंशियल है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट बी, उसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल एट डी, तो फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, वो विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। तो इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए मुझे पता है कि इस पॉइंट पे, इस एंड पे कितनी पोटेंशियल है, 12 वोल्ट। तो यहां पर कितनी पोटेंशियल है, 12, आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर कितनी पोटेंशियल है बी पे, चलो मैं मानता हूं वी पी, मुझे वो नहीं पता, तो यहां से जाके मैं यहां जाऊंगा, तो यहां पर कितनी पोटेंशियल है, 12, और यहां पर वी पी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी होती है। फ्रॉम द ओम्स लॉ वी नो वेरी वेल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर,
और एकेडमी आप देखिए कि रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितनी जा रही है उसके थ्रू, तो दैट विल गिव यू दी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल गिव यू दी पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा, चलो यहां से चलते हैं। अब मुझे बता ए एंड पे, ए टर्मिनल पे कितनी पोटेंशियल है 12 और बी पे वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो वो कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस से किस हो, यहां से यहां तक अगर मैं जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस होती है आई आर। चलो यहां से यहां तक करंट गई आई, आई वन मुझे नहीं पता कितनी करंट है, तो आई वन लिखना पड़ेगा इंटो आर, रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम, तो आई आर के बदले लिखना पड़ेगा आई वन 6। तो ये वी वन कितना है, वी ए कितना है, वी ए है 12, तो 12 माइनस वी बी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, वो होगी आई आर। तो आई है आई वन इंटू 6, तो ये बनी हमारे पास एक इक्वेशन। मगर इस इक्वेशन में कितने अननोन्स है, दो, एक है वी बी और दूसरा है आई वन। जब आपके पास एक इक्वेशन हो और उसमें दो अननोन्स हो तो आपको कम से कम दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन आ गई। चलो देखते हैं, अगर मैं आप यहां पे पहुंच जाए, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कितनी है वी बी, तो सी पे कितनी है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, अगर ये 12 पे, ये कितने पे है 0 पे, तो पोटेंशियल एट सी कितना है 0। तो अब यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, वी बी माइनस वी सी, आल्सो ओम्स लॉ आल्सो अप्लाई करने पे, तो यहां पर है पोटेंशियल वी बी माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने माइनस वी सी, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, वो किसके बराबर होगा, इस सर्किट में यहां से यहां तक कितनी रेजिस्टेंस आई, ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। अगर यहां से करंट आई वन आ रही है तो एक ही पाथ है, तो यहां से भी करंट आई वन ही जाएगी, क्यों, क्योंकि जब आपके पास एक ही पाथ होगी तो एक ही करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो यहां से आई वन आ रही थी तो यहां भी आई वन आ जाएगी, तो आई वन इंटू, तो रेजिस्टेंस कितनी है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी, ये जो यहां पर भी है ना, इट इज नॉट पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। तो वी बी माइनस वी सी किसके बराबर होगा, आई आर, आई है आई वन इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 2, तो वी बी तो आपको पता ही नहीं है तो वी बी ही लिखना पड़ेगा, माइनस वी सी कितना है, वी सी है 0, तो वी बी माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आई वन। तो वी बी यहां से पता चला पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू 2 आई वन। आर गेटिंग मी, ये दूसरी इक्वेशन आई है हमारे सामने। तो अब अगर आपको पता है कि वी बी इज इक्वल टू 2 आई वन, तो अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, तो आपको दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू पता चलेगा। तो वी बी के बदले 2 आई वन इधर पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी बी, पर हमें वी बी चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से आई वन निकाल सकते हैं, तो आई वन इज इक्वल टू वी बी बाय 2, तो इसको इक्वेशन सेकंड मत लिखिए, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए। तो आई वन किसके बराबर होगा, वी बी बाय 2, जहां जहां आई वन होगा उधर वी बी बाय 2 लिखो, तो वी बी आ जाएगा। आप यहां से वी बी इधर पुट करोगे, वहां से आई वन निकलेगा, फिर आई वन वापस पुट करना पड़ेगा, तो फिर वी बी निकलेगा। उससे बेहतर ये है कि आई वन ही इधर इन टर्म्स ऑफ वी बी लिखो, तो उसको इधर पुट कर दो, तो आपको वी बी डायरेक्ट आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मुझे बताओ इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा हमें, वी गेट, आप देख ले 12 माइनस वी बी, वी बी तो वी बी ही है, इज इक्वल टू आई वन इंटू 6, यानी कि 6 आई वन, तो आई वन कितना है वी बी बाई 2, तो वी बी बाय 2, तो यहां से 2 1 2 2 3 6, तो 12 माइनस वी बी, तो ये बनेगा इधर 3 टाइम्स वी बी। तो ट्रांसपोजिंग कर लो, वी बी को अलग कर दो, तो ये वीबी उधर जाएगा, तो 4 वीबी बनेगा, क्योंकि 3 वीबी प्लस वीबी कितना होगा 4 वीबी, तो 4 टाइम्स वीबी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। आर यू गेटिंग मी, तो वीबी इज गोइंग टू बी
12 डिवाइडेड बाई 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 3 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी है वो कितनी है, वो है 3 वोल्ट। यहां पर हमें पोटेंशियल पता चली। अब हमने कहां पे निकालनी है, डी पे। फिर हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट डी। जैसे हमने बी पे निकाला, ऐसी अब कहां पे निकालेंगे, डी पे। मगर हमें बी पे पता चला कितनी पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल कितनी पोटेंशियल आई बी पे, तो बी पे आई 3 वोल्ट। तो वो मैंने इधर चित्र पे लिख लिया 3 वोल्ट। अब फिर से मुझे अप्लाई कर दो। अब आपको पता है कि यहां पर कितनी पोटेंशियल है, यहां पर 12 है, बिकॉज दिस वन आर द सेम थिंग, तो 12 है। अब इधर जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल, अगर डी पॉइंट पे चलो मैं मानता हूं मुझे नहीं पता वीडी लिखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी ए और डी के बीच में, वी ए माइनस वी डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी डी। अब मैं नीचे वाले सर्किट में आ गया, वी ए माइनस वी डी। तो व्हाट इज वी ए माइनस वी डी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी ए माइनस वी डी। तो वो किसके बराबर होगा, आई आर। चलो मैं मानता हूं कि यहां से करंट जितनी चली वो थी आई टू, मुझे नहीं ना पता कितनी करंट, तो इसलिए मैं आई टू नाम देता हूं। तो आई टू ओम्स लॉ बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। तो आई टू, आर कितनी है 8 ओम, बहुत अच्छा। तो वी आपको पहले ही पता है वो कितना है 12, तो 12 माइनस वी डी जो आ जाएगा आपको वो 8 टाइम्स आई टू आ जाएगा। तो इसका नाम फिर से इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, आर यू गेटिंग मी। तो यहां पर आपको दो वेरिएबल्स है मगर एक ही इक्वेशन है, तो एक और वेरिएबल चाहिए हमें। चलो अब यहां पहुंच गए हम, यहां पर कितनी पोटेंशियल है वीडी, तो यहां पर सी पॉइंट भी कितनी पोटेंशियल है 0, क्योंकि ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 12 इन दोनों के, वो तो अप्लाइड थी ईएमएफ जो दिया गया था। तो अगर मैं VC को 0 मान लू, VA को 12 मान लू, तो 12 माइनस 0 12 हो गया। यही तरीका होता है आसान तरीका कि कैसे आप अलग अलग पोटेंशियल दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगी वही है। तो अब यहां पर VD में मान लू, तो यहां पर अब मैं D पॉइंट और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख लू, तो आल्सो ऐसी, तो VD पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट C। अब मैं यहां से यहां तक गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी VD माइनस VC। सो VD माइनस VC इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट D एंड C, वो किसके बराबर होगा, I, करंट कितनी आ रही थी I2, तो यहां से भी I2 ही जाएगी क्योंकि फिर से एक ही पाथ है अभी तक C पॉइंट तक, तो I2 ओम्स लॉ बोल रहा है आई आर। रेजिस्टेंस कितनी थी यहां से यहां तक जाने में 12, तो 12 ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। तो वीडी तो पता ही नहीं आपको, तो वीडी ही लिखेंगे। वीसी कितना, वीसी है 0, तो वीडी माइनस 0 हो गया वीडी। ये मैं समझना कि सर ने वीसी नहीं लिखा, क्योंकि वीसी 0 है, तो वीडी माइनस 0 हो गया वीडी। 12 आई टू क्लियर। तो यहां पर मैं आई टू को निकालता हूं, मैं वीडी को इधर पुट नहीं करूंगा, मैं आई टू को पुट करूंगा उधर, क्योंकि मुझे वीडी निकालना है। तो आई टू किसके बराबर निकलेगा, वीडी डिवाइडेड बाई 12, क्लियर। तो इसका नाम रखते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, आप देखिए क्या मिलेगा हमें, 12 माइनस वी डी। इन टर्म्स ऑफ डी निकालना है तो डी में ही वी डी ही लिख लो, तो 8 आई टू के बदले क्या लिखेंगे, वी डी बाई 12, बहुत अच्छा, वी डी बाई 12। तो यहां पर आप 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 2/3 ऑफ बी डी बन गया। तो 12 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 ऑफ बी डी, ये उधर जाएगा तो प्लस बी डी बन जाएगा। मेरा मानोगे तो इधर डिवाइड 3 है तो इधर भी कर दो, तो जब करोगे डिवाइड तो मल्टीपल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एलसीएम आपको जल्दी पता चलेगा क्या आ जाएगा। तो इसको मैं अभी इधर लिखता हूं, तो यह आ गया 12 इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 वी डी बाई 3। तो यहां पर था वी डी, वो मैंने 3 डी बाई 3 लिखा, तो मैं इधर लिखूंगा 3 वी डी बाई 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। तो
तो 2VD प्लस 3VD हो गया 5VD, 5VD, तो यहां से VD को निकाल दो, पोटेंशियल एट D, वो निकलेगा 12 को 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 3R कितना हो गया, 12 3R हो गया 36, ठीक है, और ये 5 को मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट D भी पता चल गया, 36 डिवाइड बाय 5, तो यहां पर ये आ जाएगा 57R35, 52R10, तो 7.2 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल मिलेगी आपको कहां पे, एट डी, तो हमें आप पोटेंशियल एट डी भी पता, पोटेंशियल एट डी भी पता, तो पोटेंशियल एट डी कितना है 3 वोल्ट, तो डी पे ज्यादा पोटेंशियल है, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी पोटेंशियल डिफरेंस, वीडी माइनस वीबी, डिफरेंस निकालनी है, वीडी माइनस वीबी वही निकालना है, तो वीडी कितना निकला 7.2 माइनस वीबी कितना निकला था 3, तो 3.0, तो ये बनेगा आपका 4.2, क्योंकि 7.2 माइनस 3 जो हो गया वो 4.2, तो इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4.2 वोल्ट, समझ में आया, तो समझ में आया मैंने कैसे निकाला, मैंने पहले यहां पर पोटेंशियल निकाली, फिर यहां पर पोटेंशियल निकाली, कैसे निकाली मैंने ओम्स लॉ यूज करके, तो फिर उन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस निकाली, क्योंकि जब आपको पोटेंशियल दो पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो आपको यह पता है कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस 4.2, आर यू गेटिंग मी, आप अब क्या कह सकते हैं, अगर इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4.2 है ना, तो आप इस पॉइंट को 4.2 मान सकते हैं और इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4.2 है, क्योंकि 4.2 माइनस 0 हो गया 4.2, समझ गया, ये आसान तरीका होता है बाद में कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो मैं दूर हो जाता हूं, तो आप इस चीज को नोट, ये वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, तब तक मैं यहां पर एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं, तो यहां पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, बहुत आसान है, आपने इससे पहले कैपेसिटर में ऐसे जो सर्किट्स है इवाल्वेट किए हैं, तो पहले यही लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, तो यहां पर जो भी ट्रिक्स विक्स होंगे, मतलब कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे बता दूंगा, तो पहले इसको करते हैं, तो ये बोलते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट दिया गया है, ये बोल रहा है कि इनके बीच में बताइए नेट रेजिस्टेंस कितनी है, तो ये बहुत आसान होता है सॉल्व करना, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे वाले सर्किट्स को क्या करते हैं हम, तो ऐसे वाले सर्किट जो भी होंगे, इस प्रकार के जो भी सर्किट आपको दिखेगा जितना लंबा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर एक चीज चलता है वो है जो आपको जंक्शन मिलेगा उसको नाम दे दे, बस जितने भी जंक्शन यहां पर होंगे, जंक्शन आपको पता है कि जहां पर एक से ज्यादा सर्किट आर्म्स मिलेंगी, तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं, उसको नाम दे दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। चलो यहां पर एक जंक्शन है, क्योंकि यहां पर एक आर्म इधर जा रही है एक इधर, तो चलो मैं इसका नाम देता हूं पहले 1, तो फिर जब यहां पहुंचे तो यहां पर एक और जंक्शन बन गया, एक इधर ऊपर इधर, तो इसका नाम देते हैं 2, आर गेटिंग मी, समझ में आया क्या करना है, जो भी इस प्रकार के सर्किट्स आपको मिलेंगे तो यहां पर नेमिंग देनी पड़ती है, ताकि ये बहुत आसान हो जाता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है कि मिक्सड फॉर्म में है, तो ये चीज देखना होता है, तो यहां पर एक और मुझे लगता है कि आपको जंक्शन दिखेगा, तो इसका नाम देते चलो 3 देते हैं, नेम देते हैं, जैसे आप जब आप नंबरिंग देते वही करना यहां पर भी है, तो यहां पर एक और जंक्शन है, इसका नाम देते हैं 4, कोई ये ना बोले कि सर यहां पर एक और जंक्शन, ये जंक्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज वन एंड द सेम थिंग, यहां से एक ही रास्ता निकलता है, ये एक ही रास्ता है, जब एक से ज्यादा रास्ते मिले तो किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा रास्ते होंगे चार्ज को चलने के लिए, चार्ज को सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूं, उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं, तो यहां पर जब चार्ज पहुंचेगा तो वो सोचेगा मैं इधर जाऊं कि इधर, यहां पर जब वो पहुंचा उसको तो पता ही कि मुझे इधर जाना है, तो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म ए जंक्शन, तो अब यहां पर मैंने नाम दे दिया, तो बस देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करने का बहुत आसान तरीका है, अब ये जो ए पॉइंट है या 1 पॉइंट है, दिस इज 1 एट द सेम थिंग, बिकॉज 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 1, ए जो ए और 1 है ना,
दिस इज वन एट द सेम पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है. क्यों? क्योंकि ये सर्किट ए और वन जो है ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, और वन ही नहीं है, वन के साथ एक और कॉन्टेक्ट में है. कौन सा पॉइंट? थ्री पॉइंट. तो थ्री, वन और ए, ये एक ही पॉइंट है. आया समझ? क्यों? क्योंकि वन इज ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन, बट वन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टर बिटवीन देम. तो आपने देखना है कि कौन कौन सा जंक्शन एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो एक ही टर्मिनल होगा आपका. ए ले लो या वन ले लो या थ्री ले लो, दिस इज ओनली वन पॉइंट. समझ में आया? क्यों? बिकॉज दीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. तो इधर क्या करना पड़ेगा? इनको एक ही लिखना पड़ेगा. चलो मैं इधर लिखा ए, यही होगा आपका वन पॉइंट भी और यही होगा आपका थ्री पॉइंट भी, क्योंकि ए वन थ्री जो है दिस इज वन टर्मिनल. समझ में आया? चलो यहां पर आपको कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तीन उनमें उसमें से आ गए. अब कितने बचे? तीन और टर्मिनल्स बचे. अब देखो बी ले लो या फोर ले लो, बिकॉज बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फोर, दिस इज ऑनली वन पॉइंट. तो फोर एंड थ्री आर टू डिफरेंट पॉइंट, बिकॉज फोर एंड थ्री आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बिकॉज इन बिटवीन देयर इज अ रजिस्टर. तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो जो होगा वो एक ही पॉइंट होगा. तो बी फोर यहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है टू के साथ, बी ले लो या फोर ले लो या टू ले लो, दिस इज वन एट द सेम पॉइंट. तो इधर मैं लिखता हूं, इधर मैं ऐसे लिखता हूं, बी ले लो या फोर ले लो, फोर वाला पॉइंट, या थ्री नहीं क्योंकि थ्री इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू फोर, टू ले लो, दिस इज वन एट द सेम थिंग. तो हमारे पास बस दो ही टर्मिनल आ गए. कौन कौन? ए वन थ्री बोलो या बी फोर टू बोलो, दीज आर ऑनली टू टर्मिनल. मगर कितने पॉइंट आ गए? तीन और तीन छह. तो टोटल कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह. तो इसका मतलब कि हमने सारे टर्मिनल्स ले लिए. बस अब एक एक रजिस्टर को उठा लो और देखो उसके दो एंडेस किस किस के साथ कनेक्टेड है, तो इनको यहां पर मिला लो, आपको जो डायग्राम है सिंपलीफाइड हो जाएगी. चलो मैं पहले इस वाले रजिस्टर को उठाऊंगा. इसका एक टर्म है किसके साथ कनेक्टेड है? वन के साथ, दूसरा टू के साथ. बस आया समझ? एक किसके साथ? वन के साथ, दूसरा टू के साथ. इधर रजिस्टर बना ली यही, इसकी रजिस्टेंस टू आर है. तो एक टर्मिनल इसका किसके साथ? वन के साथ. वन किधर है? इधर वन है, तो वन के साथ कनेक्टेड है. दूसरा इसकी किसके साथ? टू के साथ. टू इधर है, तो टू के साथ. आया समझ? हो गया ये वाला खत्म. अब इधर चलते हैं, ये वाला रजिस्टर जब उठाएंगे तो इसका एक टर्मिनल टू के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल थ्री के साथ. टू थ्री के साथ आरगड़ी, एक टू के साथ, दूसरा थ्री के साथ. तो मैं इस वाले रजिस्टर को भी उठा लू, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? टू आर. एक टर्मिनल किसके साथ? टू के साथ, तो टू के साथ. दूसरा टर्मिनल किसके साथ? थ्री के साथ. एक टू के साथ, दूसरा थ्री के साथ. थ्री इधर है, तो हो गया ये भी खत्म. तो अब आगे चलते हैं, अब ये वाला रेजिस्टर उठाते हैं. तो इसका एक टर्मिनल थ्री के साथ कनेक्टेड है और दूसरा फोर के साथ. तो इधर इस वाले रेजिस्टर को भी उठा दो. एक पॉइंट किसके साथ? एक टर्मिनल किसके साथ? फोर के साथ. तो फोर इधर है, तो हो गया ये वाला. दूसरा थ्री के साथ, थ्री इधर है. अरे गड़ी में मुझे लगता है कि हमने सारे कर दिए. अब मुझे एक बार बता ये किस में है? तो पैरेलल में थे. अरे यहां से पता ही नहीं चलता कि ये पैरेलल में है कि नहीं है. अब पता चला ये पैरेलल में है. देखा कितना सिंपलीफाई हो गया ये. तो दिस इज द फन ऑफ नंबरिंग. जो नंबरिंग आप देते ना, तो इससे देखा कि ये कितना सिंपल हो गया. अब मुझे बताओ ये तीनों के तीन, इसकी भी रेजिस्टेंस कितनी है? टू आर. तो जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगी ए बी के दरमियान वो कितनी होगी? तो आर नेट जो होगा. अब मुझे एक बार बताओ, यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा. मैं वो नहीं बोलूंगा कि द नेट रेजिस्टर, द रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटीजर रेजिस्टेंसेस, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? टू आर. इसकी टू आर, इसकी टू आर. तो जब सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकलती है? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. तो बताइए रेजिस्टेंस कितनी है हर किसी की? टू आर. तो जब पैरेलल में होते हैं ना, एक ही किस्म के, एक ही वैल्यू के रेजिस्टर, मतलब कि रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर कितने होते हैं? तो उस रेजिस्टेंस को डिवाइड बाय कर लो कि वो कितने रेजिस्टर है, डिवाइड उससे कर लो, तो यू विल गेट द नेट रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो हर किसी की रेजिस्टेंस टू आर है, तो टू आर लिख ले. तो कितने हैं? एक, दो, तीन, तीन है. तो
दिस विल बी इट्स आंसर. समझ में आया? 2R/3. अगर आप वैसे करेंगे बाय कन्वेंशनल मेथड कि 1/R net, क्योंकि जो रेजिस्टर्स इन पैरेलल होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है नेट रेजिस्टेंस वो ऐसे निकलती है इस फॉर्मूले 1/R net = 1/R1, वो होगा 1/2R. दूसरा 1/R2, वो भी 2R. 1/R3, वो भी 2R. मुझे एक बार बता, 2R LCM, तो 1+1+1 हो गया 3. ये बना आपका 1/R net. तो आर नेट किसके बराबर? उल्टा इसका, तो इसका उल्टा 2R/3. इससे बेहतर है ना फॉर्मूला ही याद रख ले. अरे गेटिंग मी? बहुत अच्छा. तो ये था न्यूमेरिकल ऑन द रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस अगर ऐसी होगी, ऐसे कनेक्टेड होंगी, तो आप कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो इस पे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा. मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको ये आता है, मगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो क्लियर हुआ इतना, चलो आगे चलते हैं. यहां पर एक और न्यूमेरिकल है कि ये सर्किट दिया गया है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इन द फॉलोइंग सर्किट. ए और सी के बीच में बता दीजिए कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है. तो सर्किट कुछ यूं है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, तो उनके मीडियन जो है उनको कनेक्ट किया गया, तो हर किसी साइड पे और हर किसी मीडियन पे 8 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है. तो ये बताना है आपको कि नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी इसकी ए और सी के बीच में. चलो ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत है, बहुत सारे तरीके इसके, मगर मैं धीरे धीरे उधर ही की तरफ चला जाऊंगा. बाद में मैं एंड में ट्रिक बता दूंगा, पर अभी मैं ट्रिक नहीं बता दूंगा. अभी हम लॉजिकली जाएंगे कि हम कैसे करते हैं. मुझे एक बार बताओ, यहां से देखो, यहां ध्यान दो. जब चलो मैं मानता हूं कि ये जो टर्मिनल है यहां से करंट आई, चलो जब यहां से करंट आई, चलो यहां पर करंट थी, आई कितनी थी करंट, आई. जब वो यहां से गुजरेगी, यहां पर जो करंट है उसको तीन रास्ते मिल रहे हैं, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ. अब किस रास्ते से कितनी करंट निकलेगी ये निर्भर करता है कि आगे बंदा कैसा बैठा है, आगे रजिस्टर जो है वो कितने ओम का है. तो ध्यान दे, यहां पर जो इसके आगे रजिस्टर है वो 8 ओम का है, तो जब यहां से जाएगा तो 8 ओम का है, तो जब यहां से जाएगा तो 8 ओम का है. ध्यान दे, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो बंदा उसके सामने मिल रहा है, इस रास्ते में भी वैसा ही बंदा, इस रास्ते में भी वैसा ही बंदा, तो इसका मतलब यह कि जो करंट वहां से आ रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. जितनी करंट अब यहां से जाएगी उतनी ही करंट यहां से जाएगी और उतनी ही करंट यहां से जाएगी. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? क्यों? क्योंकि तीनों के सामने, ये जो यहां पर तीनों रस्तों में जो तीन रस्ते मिल रहे हैं इसको, तो उन रस्ते में जो रजिस्टर है वो एक ही वैल्यूज के हैं. जब वो एक ही वैल्यूज के हैं, जितने करंट यहां से जाएगी उतनी ही यहां से जाएगी, उतनी यहां से जाएगी. आर यू गेटिंग मी? अगर ये 2 ओम का रजिस्टर इधर होता, बाकी 8 ओम के होते, तो यहां से अलग जाती, इन दो के अलॉन्ग इक्वल जाती. आर यू गेटिंग मी? तो ये निर्भर करता है कि आगे आपके सामने जो रेजिस्टर है वो कितने ओम का है. अगर इक्वल ओम्स के रेजिस्टर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करंट भी हो जाएगी. आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा. अब जितनी करंट यहां से निकली यहां पहुंच जाएगी, चलो I1 निकली, कितनी? I1. मुझे बताओ यहां से यहां तक इस टर्मिनल तक करंट कितनी जाएगी? I1. और यहां से यहां तक कितनी करंट जाएगी? I1. आर यू गेटिंग मी? Why? यहां से भी I1 बोला मैंने, यहां से भी I1 और यहां से भी I1. क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस I के सामने जितना रजिस्टर और जितने ओम का रजिस्टर इस रास्ते में मिल रहा है, वही ओम वाला रजिस्टर इधर भी मिल रहा है, वही ओम वाला रेजिस्टेंस इधर भी मिल रहा है. तो इसका मतलब कि करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो जब करंट रजिस्टर के थ्रू जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है. कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है? IR = IR. करंट इक्वल है, करंट I1 है और रेजिस्टेंस 8 है, तो जितनी यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, जो पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो जाएगी, जितनी इस रास्ते में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी IR, उतनी ही यहां तक भी पहुंच जाएगी, उतनी ही यहां पे भी ड्रॉप हो जाएगी. क्योंकि इन तीन जो सर्किट एलिमेंट है यहां पर, तो हर किसी सर्किट एलिमेंट में आपको इतनी ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि इक्वल वैल्यू के करंट भी आ रही है और इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस भी सामने हैं. तो जितनी आप पोटेंशियल सी पे होगी, चलो मैं वी मानता हूं,
तो उतनी ही इस पॉइंट पे भी होगी और उतनी ही इस पॉइंट पे भी होगी, होगी कि नहीं होगी। ये रेजिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ वी पहुंची, तो यहां पर भी वी पहुंची, यहां पर भी वी पहुंची। अब मुझे एक बार बताओ करंट कब चलती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट्स के बीच में। अब मुझे एक बार बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है, मान लो वी है, कितनी है वी, तो इस पॉइंट पे भी कितनी है वी, तो इस पॉइंट पे भी कितनी है वी, ध्यान दे। अब इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक जो करंट है, यहां से यहां तक, यहां पर भी पोटेंशियल भी है, यहां पर भी पोटेंशियल भी है, तो करंट इस एलिमेंट के थ्रू नहीं आएगी, क्योंकि इस एलिमेंट के थ्रू अगर वो आएगी, वो तब आएगी जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर भी वही वी है और यहां पर भी वी है, वी माइनस वी हो गया जीरो। तो इसका मतलब यह है कि ये सर्किट है ही नहीं, ये यहां लगाना फजूल है, क्योंकि इस सर्किट एलिमेंट जो वहां पर रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, जितनी पोटेंशियल इधर है उतनी इधर है, तो इक्वी पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो नहीं करता। अरे गेटिंग मी, तो इसका मतलब है कि करंट इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि इस सर्किट एलिमेंट के थ्रू करंट ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उस वो तभी चलती है करंट किसी सर्किट एलिमेंट के थ्रू जब वहां पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इन दो के बीच में पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ इस सर्किट एलिमेंट के थ्रू कितनी करंट आ रही थी, आई वन, इस सर्किट की एलिमेंट के थ्रू आई वन, इस सर्किट एलिमेंट के थ्रू आई वन। अब ये आई वन इधर जाएगा, अब ये आई वन इधर जाएगा, अब ये आई वन यहां से आएगा इधर मिलेगा। अब मुझे एक बार बताओ यहां पर कितनी करंट आ जाएगी, आई वन प्लस आई वन प्लस आई वन, वही होनी चाहिए ना आई, क्योंकि आपको यहां फिर से आई करंट आनी चाहिए। तो इसका मतलब यह कि ये सर्किट कुछ डायग्राम ऐसी होनी चाहिए। अब मुझे एक बार बताओ ये दो किसमें है, अब सीरीज में, ये दो भी सीरीज में, और ये तीन खुद किस में, पैरेलल में, तो वही होगी नेट रेजिस्टेंस। अरे तो ये समझ में आया बीच वाला क्यों कटा, क्योंकि उसके थ्रू करंट ही नहीं जाती है, तो करंट तभी। आप में से कोई बोला कि सर यहां पर जो पोटेंशियल अब यहां पहुंची, तो एक बात है कि यहां पर भी वही पोटेंशियल, मगर यहां से जो करंट आएगी वो थोड़ी ना वापस जाएगी, उसको तो आना है एक सर्किट तक, मतलब कि ये यहां जाएगा, एक्चुअली ये बैटरी की पोटेंशियल होगी अब यहां पर जो हमने यहां क्रिएट कर दी है। समझ में आया, तो बहुत अच्छा। अब क्या होगा कि यहां से जो ये सर्किट एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, ये सर्किट एलिमेंट इन्वॉल्व होगा और ये सर्किट एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। अब ऊपर वाले सर्किट में कितने रेजिस्टर है, दो, किस में है, सीरीज में, तो बताइए इसकी जो अब डायग्राम बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है आपका, तो जो ऊपर वाला सर्किट है मैं ऐसे बना दूंगा, एम आई राइट, क्योंकि ये दो किस में है, ये दो एक ही रास्ते में दो रजिस्टर आ रहे हैं तो उनको सीरीज में बोलते हैं, तो ये एट ओम का, ये एट ओम का, फिर ये दो भी ए के साथ कनेक्ट है और बी के साथ कनेक्ट है, ए के साथ कनेक्ट है और बी के साथ कनेक्ट है, ये दो भी है इधर किस में है, सीरीज में, तो ये भी एट ओम का, ये भी एट ओम का, तो ये जो है इसका एक एंड किसके साथ, ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया, तो चलो बी को इधर लेते हैं, ये बी है तो ये भी एट ओम का। अब मुझे बता ये तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में, मगर उससे पहले ये सीरीज में, ये दो भी सीरीज में, तो जब सीरीज में होते हैं तो मुझे बता नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, अलजेब्रिक सम, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इन दो के बदले एक ही रेजिस्टर आएगा, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, एट प्लस एट सिक्सटीन, तो यहां पर इन दो के बदले भी एक ही आ जाएगा, एट प्लस एट सिक्सटीन, तो ये एक ही है तो ये एट ही होगा। समझ में, तो यहां पर आपको एक और एंड मिलेगा, वो होगा बी, ये था ए, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब ये तीन रेजिस्टर है तो तीनों के तीन किस में है, पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगी, नेट रेजिस्टेंस नहीं निकलती है, वन बाय नेट रेजिस्टेंस निकलती है, वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय एट, मैं वन बाय एट नहीं लिखूंगा, मैं तो टू भी मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर भी, क्योंकि नीचे सिक्सटीन बनेगा, तो एट को टू के साथ मल्टीप्लाई किया मगर ऊपर भी करना पड़ेगा, वो टू वन और टू बनेगा, तो यहां पर जो एलसीएम है वो आपका सिक्सटीन आ गया, ऊपर जो आ जाएगा टू प्लस वन हो गया फोर, तो फोर डिवाइड बाई सिक्सटीन हो गया वन बाय फोर, क्योंकि फोर फोर आर सिक्सटीन, मगर ये वन बाय आर नेट निकला, तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल फोर बाय वन, तो फोर ओम जो है इस सर्किट की क्या है, नेट रेजिस्टेंस,
तो आगे भी इस पे और न्यूमेरिकल करेंगे। मैं यहां पर एक और ट्रिक बता दूंगा आपको, वो होता है मिरर, मतलब कि रिफ्लेक्शन से आपने देखना है कि बाई सिमेट्री, सिमेट्री देखना पड़ता है कि क्या रेजिस्टेंस निकलती है। वो आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मगर आगे जो है, आगे बहुत मतलब कि अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। मतलब कि जिस क्वेश्चन को ऐसे मैनुअली करने में आपको 15 मिनट लग सकते हैं, उसको खाली हम 20 सेकंड देंगे, याद रखना मेरी बात। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।